पिछले कई महीनों से लॉन्ग राइड पर नहीं निकले थे और ऐसे हालात तो नहीं हमारे इतने कि विदेश जा सकें, लेकिन कम से कम एक दिन की लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जा ही सकते हैं एकदम शॉर्ट वेकेशन पे। तो इसी को नज़र में रखते हुए एक माहौल बना कि एक दिन के लिए जमशेदपुर चला जाए। छुट्टी भी थी और फ्राइडे सैटरडे संडे यानी तीन दिन ऑफ भी था, स्कूल भी बंद थे। फ्राइडे को स्कूल ऑफ होने के बाद अचानक प्रोग्राम बना कि चलना चाहिए, और हम थे गाड़ी और फिर रस्ते रस्ते भर बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, आपको आगे दिखाऊंगा मैं। और अच्छा लगा, कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए, यही समझ में आया। घर में कई बार रहते रहते बहुत लॉक्ड हो जाता है। आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सुबह उठे हम, नाश्ता वास्ता कर चुके हैं, अभी बाहर निकले हुए हैं, अब दोपहर का टाइम होने वाला है। अदिल, तुम कुछ बोलना चाहते हो तो कुछ बोल लो। बस अदिल को कुछ बोलने बोलो तो अदिल बैक करता है। आज जमशेदपुर में हमारा सेकेंड डे है, आज भर हम रहेंगे। कल तानिया कल फर्स्ट था, आज सेकेंड? अच्छा, आज फर्स्ट डे, कल हम निकल यहाँ से चले जाएंगे कल। हाँ कल, क्योंकि हम लोग आए थे ऐसे ही माइंड फ्रेश करने, बच्चे घर में रह रहे वो हो रहा था बच्चों को, तो बच्चे कह रहे थे कि हमें कहीं लेके चलो, तो हम टाटा लेकर आए बच्चों को घुमाने। दादा की दुकान से टॉर्च लेगा। अच्छा दिला दूंगी, मुझे लेजर लाइट दिला दूंगी। अच्छा मैं है तुम्हारी लेजर लाइट से खेलने की। दादा दुकान वो है कि यहाँ से सामान इन लोग खरीदते हैं, तो उनको ये बच्चे लोग दादा बोलते हैं, तो उनके दुकान से वो सामान इन लोग खरीदेंगे। जमशेदपुर है भाई, जगह है ये भी, इनको बहुत इंसानों के रहने की एक जगह है। अच्छा मुझे नहीं पता था इंसानों की रहने की जगह। दानिया तुम छोड़ दो, पापा बकवास कर रहे, तुम कुछ बोलना चाहती हो? ये एक छोटा मोटा जैसे जुरासिक पार्क है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने चेक किया तुम्हें अच्छा लगता है यहाँ पर ज्यादा। दानिया को कलकत्ते से ज्यादा टाटा में अच्छा लगता है। अभी एग्जाम नहीं होते तो दानिया रह सकती थी, क्योंकि उसकी फिर छुट्टी हो जाएगी। दानिया को यहाँ सुकून लग रहा है, ये कह रही है। अदिल बोलता उसको यही घर लेना, तो यही लेता। ठीक है अदिल, अभी हम लोग बिष्टुपुर में है, बिष्टुपुर से अभी जा रहे हैं हम लोग। किधर जा रहे हैं? वहाँ वाले वहाँ रहने बोलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं उस स्टेशन की तरफ, स्टेशन की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। चाहिए हाँ बेटा, अभी नहीं हो पाएगा। अभी फिर फंदा। अभी तुम क्या, आप जैल भाई की बात नहीं मत करो भाई, शेयर रखो। अदिल आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। रैश ड्राइविंग एक मैनेस है, एक परेशानी है, एक बीमारी है, और इतने हादसे होते हैं मगर पता नहीं क्यों एक तेजी है लोगों के दिमाग में, आगे निकलना है, आगे जाना है, पहले पहुंचना है, पर इससे नुकसान ही हो रहा अल्टीमेटली। आए दिन अखबारों में पढ़िए आप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा पीछे एक गाड़ी ने जो है एक टू व्हीलर को मार दिया, पूरी तरह से पुलिस घेर के खड़ी है। तो अब अगर पहले उसको कहीं पहुंचना था तो क्या लगता है वो पहुंच पाएगा? पहले तो उसको थाने ही पहुंच जाना होगा, तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे तो नुकसान हो रहा है। गाड़ी आपने आराम के लिए ली है, सुविधा के लिए ली है, रेस लगाने के लिए तो फिर वो अलग गाड़ियां होती हैं, वो छोटी छोटी गाड़ी होती हैं जो फॉर्मूला वन में चलती हैं, वो अगर रेस का शौक है तो फिर वैसी गाड़ी लेके किसी फॉर्मूला में आप ट्रेनिंग लेना शुरू कर दीजिए। मुझे यही लगता है, पता नहीं लोग थोड़ा सा ये भी बोलते हैं आप बहुत स्लो रहते हैं, आप स्लो गाड़ी के बारे में बात करते हैं। टू व्हीलर्स के बारे में मैं अक्सर बोलता हूँ हेलमेट लगाना चाहिए, तो लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं बहुत चांद से आया हूँ, शायद मार्स से आया हूँ, ऐसी बात बोलता हूँ। बट अल्टीमेटली जब उन लोगों का कहीं हादसा हो जाता है, गिर जाते हैं, किसी क्लोज का सर्वर फट जाता है, तो बोलते हैं आप ठीक बोल रहे थे भाजन, वो फला का सर फट गया, वो हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। तो ये है, ये खासकर नई ब्रीड को थोड़ा सा इसकी ज़रूरत है समझने की, होप के समझ जाएं किसी हादसे से पहले, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे। बस दैट्स इट। देखो ये वाली गाड़ी अच्छी नहीं बेटा, बेकार है, बहुत अच्छी। तो दिल तुम मसाला कोला पीना चाहते हो? हाँ। तो
अभी बर्फ वाला। बर्फ वाला हलक भी थक जाएगा। दोनों ग्लास लेके ऐसे ऐसे कर देना, आधा आधा दोनों को दे देना, तो बर्फ भी हो गया उसमें और हल्का भी हो गया वो ठंडा। फुजैल तुम कुछ बोलना चाहते हो? आ गया बिना आइस। ठीक है, लो दानिया पकड़ के रखो, दानिया हाथ में, फिर उसको करेंगे अभी हेर पे। पकड़ के जाओ, दोनों पकड़ो। लो पकड़ो दानिया, फिर मिला लो। नहीं दानिया को मत। नहीं अच्छा भाई ठीक है। कितना है? 5 रुपये है आपका। टाटा आने से मसाला कोला पीना जरूरी है। विष्टुपुर में मिलता है मसाला कोला, हर चीज ब्लैक में आने से ये जरूर पीती हूँ। एंड वाइट टू मजे का होता है। पहले हम लोग के बचपन में और मजे का होता था, अब उसका मजा चेंज हो, अब उतना टेस्टी नहीं होता। वाइट काजू चाहिए पहले कोल्ड ड्रिंक में, और उसमें भी मजा होता था, बहुत मजा था। हाँ मजा था, और अब तो दम ही नहीं रहा है, सब चीज में ही वो पसंद करते हैं। हाँ कैसे वीडियो बनाना चाहिए बेटा? मसाला वाला। अच्छा कैसा लग रहा दिल तुम्हें? रोना आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक पे रोना आ रहा है, दिल खुश होता है उसको रोना आ रहा है।